दोस्तों, छठ को पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। यह त्यौहार उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल छठ का महापर्व 17 नवंबर से शुरू हो गया है और इसका आखिरी दिन 20 नवंबर होगा। आज हम आपको छठी मैया के बारे में बताएंगे। छठ व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। महिलाएं अपने बच्चों और परिवार की लंबी उम्र के लिए 36 घंटे का व्रत रखती हैं। 36 घंटे का व्रत रखने वाले व्यक्ति की संतान की रक्षा स्वयं भगवान सूर्य करते हैं। आइए दोस्तों जानें कौन है छठी मैया। छठ में छठी मैया और सूर्यदेव की विशेष पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री कहा जाता है। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने खुद को दो हिस्सों में बांट दिया। एक भाग को पुरुष के रूप में और दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में विभाजित किया गया। इसके बाद प्रकृति को 6 भागों में बांट दिया गया, जिसमें छठा भाग छठी मैया थी। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को पौराणिक कथाओं में छठी मैया के पति बताया गया है। आइए दोस्तों जानें छठ पर्व मनाने के पीछे की प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। 1. राजा प्रियवंद से जुड़ी है छठ पर्व की परंपरा। छठ पर्व से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा सतयुग के एक राजा प्रियवंद से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा प्रियवंद निसंतान थे, जिसके कारण वे महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताते हैं। महर्षि कश्यप पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ के दौरान बने प्रसाद को प्रियवंद की पत्नी को देते हैं। प्रियवंद की पत्नी खीर खाकर गर्भवती हो जाती है, लेकिन वह मृत पुत्र को जन्म देती है। इस वियोग में प्रियवंद अपना भी प्राण त्यागने लगते हैं कि उसी समय भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट होती हैं और वह राजा प्रियवंद को कहती हैं कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। अगर तुम षष्ठी के दिन मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो तो तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। राजा प्रियवंद षष्ठी के दिन छठी माँ की बहुत ही विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं, जिसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी कथा महाभारत काल से भी जुड़ी है छठ पर्व की परंपरा। छठ पर्व की परंपरा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिदिन नहाने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करते थे। भगवान सूर्य की कृपा से ही कर्ण शक्तिशाली और महान योद्धा बने। उन्हीं से ही छठ पर्व की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया था। जब जुए में पांचों पांडव अपना राजपाट खो बैठते हैं, तब द्रौपदी भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना करती है ताकि उन्हें दोबारा अपने खोए हुए राजपाट वापस मिल जाए। द्रौपदी छठ का व्रत रखती है और विधि विधान पूर्वक सूर्यदेव की पूजा करती है। इसके पश्चात पांचों पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल जाता है। माँ सीता ने भी किया था छठ व्रत। कहा जाता है कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो जाने के बाद जब माँ सीता अयोध्या लौटी, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर
राज सूर्य करने का फैसला किया। इसके लिए वह मुग्दल ऋषि के आश्रम में जाती हैं, जहाँ पर मुग्दल ऋषि उन पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र करते हैं। उसके बाद माँ सीता कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करती हैं। सप्तमी को सूर्योदय के समय जल अर्पित करके सूर्योदय से दोबारा आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आइए दोस्तों जानें छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। छठ पर्व एक दिन या दो दिन का पर्व नहीं है, यह महापर्व है, क्योंकि यह चार दिन का पर्व होता है। छठ पर्व की शुरुआत चार दिन पहले से ही कर दी जाती है। छठ पर्व के चारों दिन इस प्रकार हैं। एक, नहाए खाएं। छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाएं कहलाता है। इस दिन छठ व्रत रखने वाली महिलाएं घर की साफ सफाई करके सुबह सुबह नहाती हैं और उसके बाद चावल कद्दू या लौकी की सब्जी और चने दाल को बड़े नियम धर्म से बनाकर खाती हैं। दो, लोहंडा या खरना। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। इस दिन छठ व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम के समय अरवा चावल गन्ने के जूस के साथ या फिर दूध के साथ पकाकर खीर बनाई जाती है। फिर सबसे पहले प्रसाद के रूप में सभी छठी व्रती खाती हैं, जिसे खरना कहा जाता है। उसके बाद घर के बाकी अन्य सदस्यों को प्रसाद स्वरूप यह खीर दी जाती है। तीन, पहला अर्घ। छठ पर्व के तीसरे दिन सूर्यदेव को पहला अर्घ शाम के समय दिया जाता है। इस दिन सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। इस दिन पूरे दिन भर चहल पहल रहती है। सभी के घर पर इस दिन छठ पर्व के डलिया को फल फूल, ठेकुआ लड्डू, चीनी का सांचा, गन्ने जैसे कई प्रकार की चीज़ों से सजाया जाता है। उसके बाद पूरे परिवार सहित शाम के समय लोग डाल लेकर घाट पर पहुंचते हैं और फिर वहां पर डूबते सूरज को अर्घ देकर अपने घर और परिवार की समृद्धि और सुख के लिए प्रार्थना की जाती है। रास्ते में जाते समय और वापस लौटते समय लोग छठी माता का गीत गाते हैं। चार, सुबह का अर्घ। छठ पर्व के चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ देकर छठ पर्व की समाप्ति की जाती है। शाम के समय डूबते सूरज को अर्घ देने के बाद दूसरे दिन व्रती के साथ परिवार का पूरा सदस्य डाल लेकर तालाब, नहर या नदी के किनारे पहुंचते हैं। यहां व्रती के साथ परिवार का पूरा सदस्य डूबते हुए सूरज को अर्घ देता है और अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करता है। यह पर्व 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। चार दिन की कठिन व्रत के बाद व्रती चौथे दिन प्रसाद खाकर व्रत का पारण करती हैं।